हमारी रक्षा करें भोलेनाथ। आप हम पर सदा कृपालु रहे हैं शिव शंकर। अत्याचारी दुर्गमाथुर ने हमारा जीना दुभर कर रखा है। हमारे सत्कर्मों का फल पूर्णतया नाश कर दिया है देवाधिदेव। धर्म का नाश और अधर्म का उदय हो रहा है महादेव। प्रभु धर्म का पुनरुत्थान करो। दीनानाथ धर्म संस्थापना के लिए अपनी आंखें खोलें। दुर्गमासुर को उसके पापों का दंड दें महेश्वर। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलिए स्वामी, अपनी समाधि को विराम दें। दैत्य दुर्गमासुर से पीड़ित इन पृथ्वीवासियों की रक्षा करें स्वामी। जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय। अंतर्यामी, आप जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान में वेदों को प्राप्त कर दुष्ट दुर्गमासुर ने उन्हें पाताल लोक के कारावास में डाल दिया है। सर्वज्ञ, आप जानते हैं कि वेद ज्ञान लुप्त हो जाने से धार्मिक जन भ्रमित होकर पतित होने लगे हैं। भोलेनाथ, धार्मिक जनों ने यज्ञ करना और धर्म उपदेश देना बंद कर दिया है। यज्ञ भाग न मिलने के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उनकी महान चमत्कारी शक्तियों का अंत होता जा रहा है महादेव। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का वातावरण दूषित हो गया है भोलेनाथ। वेदों द्वारा निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कर सुर सुरा सुंदरी से प्रसन्न रहना आज हर धार्मिक व्यक्ति का कार्य बन गया है। धर्म की संस्थापना, जगत कल्याण और वेदों के उद्धार के लिए आप कुछ करें महादेव। स्वामी, इस दुर्दशा के लिए दुर्गमासुर से अधिक उसके गुरु शुक्राचार्य दोषी हैं। वे आपके आश्वासन से निर्भय होकर दुर्गमासुर को नित्य नए अत्याचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं माता। स्वामी, आप शुक्राचार्य को अविलंब कैलाश पर उपस्थित होने का आदेश दें तथा उनसे कहें कि दुर्गमासुर की अत्याचारी गतिविधियों का अंत करवाएं अथवा आप स्वयं उसे दंडित करें। देवी, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा की रक्षा करना हम त्रिदेव का कर्तव्य है, इसीलिए हम उसे दंडित नहीं कर सकते, किंतु हम शुक्राचार्य को यहाँ उपस्थित होने का आदेश अवश्य देंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। किंतु देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानी शक्ति से उन्मत्त दुर्गमासुर का अहंकार अब किसी के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार? हाँ देवी, परिश्रम से सफलता के शिखर तक पहुंचा व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझकर सभी को अपने समक्ष झुकाने का प्रयास करता है, किंतु उसके भ्रम की स्थिति ये नहीं देख पाती कि वो स्वयं अहंकार के समक्ष कितना झुक गया है। वरदान से प्राप्त अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन गया दुर्गमासुर इन स्थितियों से बचेगा नहीं। अर्थात उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेगा। हाँ ऋषि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा अनेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति के पतन का कारण अहंकार ही बनता है। क्या दुर्गमासुर की अहंकारी गतिविधियों का प्रारंभ हो गया है प्रभु? वो तो उसी दिन हो गया था ऋषिवर, जिस दिन उसने ब्रह्मदेव से प्राप्त वेदों को पाताल लोक के कारावास में डाल दिया। वो कैसे स्वामी? देवी, अहंकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने हर कार्य को दूसरों की दृष्टि में देखने का इच्छुक रहता है। वेदों को क्रूरता पूर्वक पाताल लोक में बंदी बनाने के पश्चात दुर्गमासुर भी
शुक्राचार्य के पास न जाकर अपने कुकृत्यों की प्रतिक्रिया देखने पृथ्वी लोक पर गया। हाँ प्रभु, और जब उसने हम ऋषि मुनियों को वेद ऋचाएं भूलते देखा तो उसका अहंकार अट्टहास कर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। अहंकारी के लिए यह अवस्था अधिक घातक होती है। दूसरों के कष्ट देखकर उसका अहंकार प्रसन्न होता है। इसी क्षण मात्र की प्रसन्नता को पाने के लिए वो अहंकार में उन्मत्त होकर घोर से घोर अत्याचार करता है, जो उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात हम सबको अपने जीवन में अहंकार से शत्रुता करनी होगी। हाँ नंद, देव मनुष्य तथा दैत्य सभी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही है। अर्थात जब दुर्गम दैत्य का अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तो अन्य शक्तियां उसका सर्वनाश कर देंगी। अन्यत्र शक्ति तो निमित्त मात्र है नंद, दुर्गम असुर का सर्वनाश तो उसका अहंकार ही कर देगा। किंतु वर्तमान की विकट परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आप शुक्राचार्य को उपस्थित होने का आदेश देने वाले थे स्वामी। अवश्य दे, शुक्राचार्य को अपने आदेश से नियंत्रित करना इन परिस्थितियों में नीति संगत होगा। शुक्राचार्य शीघ्र कैलाश पर उपस्थित